नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का तो मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 20 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स का बाई लेवल एंड सेल लेवल देखूंगा, 100 डे स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और रिसेंट दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 NR7 और कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पर देता हूँ तो वो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारे चार्ट का सेटअप है जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स हैं वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा ये जो बाई सेल लेवल कम स्किनर बनाया हूँ उसको कैसे इसमें क्या क्या है और कैसे स्किनिंग करना है, कैसे इसमें एंट्री कर ट्रेड करना है, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस को आप लोग देखेंगे और ना है और क्या क्या है ये सब आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को इसको समझना और बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप लोग इसको इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में कैसे आसानी से प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग को वो सब वीडियोस भी आप लोग देख लेंगे ज़रा तो इसको आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसका मैंने ये फाइल पूरा मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ उसको, उसमें फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने के लिए आप लोग वो लिंक यूट्यूब पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को दिया गया है यूट्यूब वीडियो का। और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा इम्पोर्टेंट लिंक है, वीडियोस है, वो भी आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए मैंने इसमें बाई लेवल सेल लेवल 1, 2 और 3 मतलब बाई लेवल सेल लेवल तीनों बाई सेट ऑफ बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाता हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकता है। और इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स है, पैरामीटर्स है और इसमें बाई सेल लेवल 3 मैंने अलग से बनाता हूँ, उसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बाई लेवल सेल लेवल दिखाता हूँ। वही सब आप लोग मैंने जो वीडियो बोला कैसे स्क्रीन करना है क्या क्या है आप लोग ज़रा देख लीजिए। तो इसमें देखिए बाई लेवल सेल लेवल 1 मैंने दिखाता हूँ, इसमें बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई तरफ रहता है और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 थोड़ा कम रहता है। सेल के लिए भी ऐसा ही है, सेल का भी ऐसा ही है कि टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाला जाए। और आप लोग इसमें गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर कर लेंगे करना है, मार्केट ओपन होने के बाद कौन से लेवल का वो देख लेना है, उसके बाद आप लोग इसका हिसाब से कर लेकर टारगेट स्टॉप लॉस देख लेना है। और कैसे एंट्री लेना है आपको परफॉर्मेंस वाला वीडियोस मैंने देखी तो उसमें मैंने चार्ट में दिखाया कैसे इसमें प्रॉफिट आया और कैसे कहाँ पर एंट्री लेना है, मतलब गैप अप और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ओपन होने के बाद, तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैंने बाई सेल लेवल 2 लिखाता हूँ, बाई लेवल एंड सेल लेवल 2 जो है ये सेकंड सेट ऑफ बाई लेवल सेल लेवल वही आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 3 आएगा, इसमें बाई का एंट्री लेवल R1 है और बाई का सेल का एंट्री लेवल S1 है। और इसमें पिवट पॉइंट भी आप लोग स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और ये बोलिंगर बैंड का अपर बैंड लोअर बैंड एंड मिड बैंड का वैल्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड एंड लोअर बैंड का वैल्यू ये भी आप लोग को यूज़ कर सकता है। और टीरन लेवल एक है जो आप लोग को टीरन लेवल का टॉप लाइन मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू आप नोट कर सकते हैं, ये भी आप लोग को एंट्री दे सकता है। और मैंने जो एम एम द डे डाटा देता हूँ वही काफ़ी है, आप लोग को चाहेंगे तो आप लोग को लाइव मार्केट में भी जो लोग सर्विस लेंगे मेरा तो लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये जो हम एंड ऑफ द डे जो डाटा दिखाता हूँ, एंड ऑफ द डे जो लेवल दिखाता हूँ उसके ऊपर भी काम करने से आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग कुछ भी 4-5 स्टॉक्स चुन के उसमें से ट्रेड करेंगे तो लेवल आकर से ट्रेड करेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट 90% के टाइम आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। इसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का फीचर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिखाऊंगा तो ये आप लोग को बहुत ही ट्रेड कर मतलब इसमें ट्रेड करना और इसको मॉनिटर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग बाई लेवल सेल लेवल
वन टू थ्री नोट कीजिए, पिवट पर नोट कीजिए, टीरन लेवल वो सब नोट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग को ट्रेड करना, मॉनिटर करना बहुत ही आसान रहेगा। ये देखिए, इसके बाद पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट ये आप लोग देख सकते हैं, बोलिंजर बैंड, टीराउंड लेवल, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जिनमें रिग्रेशन में आप लोग स्क्रीन कर ले सकते हैं, मतलब ट्रेंड कहाँ पर है, ट्रेंड का वैल्यू भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा टाइम फ्रेम का हिसाब से, इसके बाद प्रोबेबिलिटी कुछ है कि कौन सा नंबर पे कौन सा नंबर आ सकता है, वो भी बहुत ही अहम और बहुत सारा चीज़ इस फाइल में है। आप लोग फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। इसके बाद प्रीवियस रेज ब्रेकआउट 530 एंड कॉन्सेवर, ये सब आप लोग देख लीजिए कैसे क्या क्या है इसमें, आप लोग को ऑल वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैंने देखिए कमोडिटी का दिखाता हूँ, कमोडिटी का ये बाय लेवल सेल लेवल वन कमोडिटी मैंने फाइल में अपडेट करके व्हाट्सएप भी पे नहीं दिया, जो मैंने इसमें इधर ही सब कुछ लेवल दिखा दे रहा हूँ। लेवल टू कुछ नोट कर ले सकते हैं इसका, और इसका अभी कुछ रह गया इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद बाया वाइजा सेंडर थ्री का फाइल जो है वो भी आप लोग को कमोडिटी का वैल्यू दिखा दूंगा। और इसमें बाय लेवल सेल लेवल थ्री जो है इसका कमोडिटी का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। आप तो ये अप ट्रेंड का सेक्शन है, ये डाउन ट्रेंड का, अप ट्रेंड का बाई बाय लेवल सेल लेवल और ये डाउन ट्रेंड का बाय लेवल सेल लेवल क्यों रखा है क्या क्या कि वो सब वीडियोस आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसमें मैंने देखिए अभी मैं फीचर्स का कुछ लेवल दिखा देता हूँ आप लोग को, ये बाइजन से लेवल वन दिखाऊँगा। और इसके बाद कम्युनिटी के बाद में दिखाऊँगा, केमिस्ट्री फॉर्मेशन जो दिखाऊँगा वो भी दिखा दूँगा। अच्छा, ये 100 डे मूवी एवरेज स्ट्रेटेजी, 100 डे मूवी एवरेज आज का जो 100 डे मूवी एवरेज जिस जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को काट किया है उसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि अम्बू जैसे मैंने काट किया है, मैंने हर रोज ही दिखा देता हूँ तो इसमें दिखाने का जरूरत है तभी हम लोग को दिखा देता हूँ। और आज का कैंडल को जो काट करता है ये तुम्हारे जो को थोड़ा सा ऊपर दिया है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन जो मूविंग एवरेज का है वो एवरेज के बेसिस पे है, और इधर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जो है वो क्लोजिंग प्राइस का बेसिस पे करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन हम लोग उसमें टू दिखाता है वो आगे आप लोग ट्रेड करेंगे तो वो लोग इसका हाई लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग को प्रॉफिट ही मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर से गया है और इसमें यहाँ से देखते हैं वो काट किया है ठीक है। उसके बाद मैंने इसे दबा इसे दबा हंड्रेड डे बार एनआरपी रेनस सेवन दिखाऊंगा वन डे का, यानी कि इसमें एस एस जी में एनआरपी रेनस सेवन आप लोग को पता है कि इसका हाई लो जब मतलब आज का ये करंट कैंडल का जो हाई लो ब्रेक करेगा तो ये मैंने एक बार बोल देता हूँ, जब हाई लो ब्रेक करता है तो आप लोग को ट्रेड लेना है। लेकिन जो आज का जो एनआरपी का मतलब है कि ये लास्ट रेज कैंडल जो कि लास्ट तीन कैंडल का जो हाई लो का जो डिफरेंस है और आज का कैंडल का जो हाई लो का डिफरेंस है ये सबसे कम है, तो इसका जो हाई का डिफरेंस है ये कंपोज से पता है एक कंपोज कंपोज